लोगों की ये साजिश है कि नीतीश कुमार जी की छवि को धूमिल किया जाए, और उन्होंने तो सारी बात स्पष्ट कर ही दी, तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होते, तो बेकार की बात है। लगातार सुनने में आ रहा है कि सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर से एनडीए में शामिल हो सकते हैं और पलटी मार सकते हैं। बहुत नेता तो उनको पलटू राम भी कहते हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर जो उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी प्रसाद यादव, उनका साफ तौर पर कहना है कि भाजपा के लोग कुछ भी बोलते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं आप। बिहार में हलचल तेज है नीतीश कुमार को लेकर के, कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं नीतीश कुमार की क्रेडिबिलिटी के ऊपर। आप एक बात पर समझ लीजिए, कुछ जो मीडिया में एक जो विशेष वर्ग है और बीजेपी के लोगों की ये साजिश है कि नीतीश कुमार जी की छवि को धूमिल किया जाए, और उन्होंने तो सारी बात स्पष्ट कर ही दी, तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होते, तो बेकार की बात है। लेकिन फिर भी ये चीज़ें आ रही हैं, तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला है। पिछले साल 9 अगस्त को हम लोगों ने संकल्प लिया था कि हम बिहार में तो एक हुए ही, लेकिन देश भर में लोगों को एक करें, उस पर हम लोग सफलता पाएंगे। और हम लोगों की इच्छा यही है, जो लोग सत्ता में अभी काबिज हैं, जो दंगा फसाद कराते हैं, इनको जो है इन सत्ता से बेदखल करता है, इसलिए हम लोग एक हुए और पूरी ताकत के साथ एक साथ जो है हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी के लोग कह रहे हैं, गिरिराज सिंह का बयान है कि आरजेडी पर दबाव बढ़ाने के लिए नीतीश कुमार इस तरह से कुछ कोई नहीं, वो सब बेकार की बात है। इन लोगों असल में बहुत दिन से बहुत लोग टीवी पे आया नहीं है, तो कुछ ना कुछ बोल करके आ जाए, अपना कुनबा तो देखा नहीं जाता, सारा अलायंस पार्टनर भाग गया। दक्षिण भारत में जो सबसे बड़ा अलायंस पार्टनर था भाजपा का, अब वो भी भाग गया। तो बचा कौन है? करके सवाल है सर कि बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर के पेच फंसी हुई है, कांग्रेस नाराज चल रही है। कहाँ बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर कौन आपको खबर देता है? हाँ, अरे आप लोगों को बैठा करके अब अगले बार किया जाए। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।